अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही दुख है, अफसोस है, क्या कहें, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हालात कैसे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या बनेगा, कौन हैं वो लोग जिन्होंने इस प्यारे मुल्क को इस मकाम पर पहुंचा दिया, कौन हैं वो जिन्होंने हमारे इदारों को बदनाम किया, हमारे इन सवालात का जवाब कौन देगा। हम तमाम पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस मुल्क के साथ। ऐ अल्लाह करम फरमा दे हम पर, हम बहुत गुनहगार हैं और उन जालिमों को अंजाम तक पहुंचा जिन्होंने इस अर्ज़ पाक के लिए मुश्किलात पैदा की और लूट लिया इस मुल्क को, खा पी गए। गरीब का कौन है, कोई नहीं है गरीब का। आज के हालात ऐसे हैं, हम आपको एक मिसाल देते हैं, बच्चों के लिए जो खुराक है दूध, और उसकी कीमत 160 रुपए से ज़्यादा है, 160 रुपए किलो से ज़्यादा है। ये हाल है, गरीब क्या करेगा, गरीब अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, कौन होगा जो इन मामलात को ठीक करेगा। अच्छा खासा हमारा मुल्क चल रहा था, इमरान खान साहब के दौर में सब कुछ ठीक था, महंगाई थी लेकिन कंट्रोल में थी। कोरोना की वबा में भी हमने अपनी जो है इकॉनमी को अच्छे तरीके से चलाया, दुनिया इसकी तारीफ़ करती है। ना जाने फिर किसकी ऐसी नज़र लगी कि ये हालात ख़राब हुए और ऐसे गद्दार हम पर मुसल्लत कर दिए गए। इन सब के पीछे कौन है वो, कौन है वो नकाबपोश मुल्क दुश्मन अनासिर जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा की। कौन होगा जो उनको पूछेगा और कब ये हालात ठीक होंगे। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हम पर करम फरमा दे, हम बहुत ही गुनहगार हैं, हम पर करम फरमा ए प्यारे रब। यही दुआ करेंगे। इंतज़ार कीजिएगा नए नए मौजूआत का। शदीद दुख है, हमारे मुल्क के हालात कहाँ पर जा रहे हैं, अल्लाह ही करम करेगा। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू TV 22 के वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।